यहाँ पर जस्ट भालू गुफा देखने को मिल रहा है। स्नेक रॉक, नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है एक बार मेरे नए व्लॉग में। तो दोस्तों आज हम लोग आ गए हैं जिला कोंडा गांव मांझीनगढ़ में, और फ्रेंड्स ये विश्रामपुरी से लगभग 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। तो दोस्तों यहां पर एक गुफा भी है फ्रेंड्स, जस्ट झंडा के नीचे, और फ्रेंड्स यहां पर काफ़ी सारे प्राचीन समय के शिलालेख भी देखने को मिलते हैं। दोस्तों यहां पर एक टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेस का भी निर्माण किया गया है, और उसे फ्रेंड्स रॉक गार्डन के नाम पर दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर विभिन्न सारे पत्थर एवं फ्रेंड्स वहाँ पर भालू गुफा भी मतलब देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये इस ब्लॉग पर फ्रेंड्स आप लोगों को यहाँ सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। तो दोस्तों चलिए करते हैं ब्लॉग को स्टार्ट। फाइनली अभी हम लोग पहुंच गए हैं रॉक गार्डन पर, और ये है फ्रेंड्स मांझीनगढ़ में स्थित है, और ये गार्डन फ्रेंड्स अभी न्यू बना हुआ है। तो काफ़ी सारे लोगों को यहां पर पता भी नहीं है कि इस लोकेशन के बारे में। तो दोस्तों यहां का मेन द्वार फ्रेंड्स आप लोगों को इस तरह का देखने को मिलेगा, और यहाँ पर फ्रेंड्स काफ़ी सारे यहाँ पर इन्फॉर्मेशन भी दी गई है। तो अभी फ्रेंड्स आप लोगों को बैक टू बैक मैं आप लोगों को यहाँ की इन्फॉर्मेशन दिखाता हूँ कि यहाँ पर किस किस तरह की इन्फॉर्मेशन दी गई है। दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स मैप, और यहाँ पर फ्रेंड्स बस्तर डिस्ट्रिक्ट, और यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख पा रहे होंगे कि लाइथोलॉजी, और यहाँ पर बहुत सारा फ्रेंड्स इन्फॉर्मेशन दी गई है। और यहाँ पर फ्रेंड्स इस वीडियो को आप पोस्ट करके पढ़ सकते हैं, और इसके इस साइड पर फ्रेंड्स एक रॉक साइकिल दिया गया है, और इसी के नाम पर फ्रेंड्स ये गार्डन बना हुआ है। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जो ज़मीन के अंदर फ्रेंड्स जो मैग्मा होती है वो धरती के ऊपर में आती है ना फ्रेंड्स, जिससे चट्टाने बनती हैं, शायद उस तरह के यहाँ पर चट्टाने देखने को मिलेंगे। तो गैस ये रहा यहाँ की प्रवेश द्वार, और ये फ्रेंड्स कुछ इस तरह का बनाया गया है, और ऊपर में फ्रेंड्स रॉक गार्डन लिखा हुआ है। और इसके इस साइड पर देखें तो फ्रेंड्स यहाँ पर काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है, शायद फ्रेंड्स इस तरह के पत्थर इसके अंदर हम लोगों को देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर फ्रेंड्स बहुत सारे इन्फॉर्मेशन दी गई है, आप इस वीडियो को पोस्ट करके पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर फ्रेंड्स देखा जाए तो एक और यहाँ पर पोस्टर देखने को मिल रहा है, और इस पोस्टर पर भी फ्रेंड्स काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन दी गई है। और इस तरह के फ्रेंड्स पत्थर वाकई में हम लोगों को अंदर में देखने को मिलते हैं या नहीं, चलिए फ्रेंड्स चलते हैं और देखते हैं अंदर का सीन क्या कुछ, अंदर में क्या कुछ देखने को मिलता है। दोस्तों यहाँ पर जैसे ही आप प्रवेश करेंगे तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप लोगों को एक झोपड़ी शेप में देखने को मिलेगा, और यहाँ पर फ्रेंड्स आप बैठ के नाश्ता वास्ता कर सकते हैं, और जो आप पकड़ के आए होंगे वो चीज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स। इसके अंदर इंटर कर चुके हैं, और यहाँ पर फ्रेंड्स हम लोगों को काफ़ी सारे अलग चीज़ें देखने को मिल रही है, और यहाँ पर फ्रेंड्स काफ़ी सारे पेड़ पौधों का भी यहाँ पर नाम अंकित किया गया है। दोस्तों यहाँ पर एक पेड़ का नाम देखने को मिल रहा है भिर्रा, और इसका फ्रेंड्स यहाँ पर आप बोटनिकल नेम भी चेक कर सकते हैं। और इसका पेड़ फ्रेंड्स कुछ इस तरह का होता है, और यहाँ पर फ्रेंड्स इसी तरह से काफ़ी सारे पेड़ का नाम अंकित किया गया है, पेड़ों का नाम। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि फ्रेंड्स जो बाहर में जो पोस्टर देखने को मिल रहा था फ्रेंड्स, उसी तरह के यहाँ पर पत्थर देखने को मिल रहे हैं, और ये फ्रेंड्स काफ़ी सुंदर भी लग रहे हैं। जैसे कि फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये तो फ्रेंड्स कुछ अलग ही दुनिया टाइप का लग रहा है फ्रेंड्स। दोस्तों यहाँ पर सभी तरफ फ्रेंड्स कुछ इस तरह के ही पत्थर देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों आगे चलते हैं और देखते हैं फ्रेंड्स आगे भी क्या इसी तरह के पत्थर देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर सभी साइड तो फ्रेंड्स रास्ता के शेप में बना हुआ है, और यहाँ पर फ्रेंड्स सुनने में आया है कि एक
भालू का गुफा भी है। तो फ्रेंड्स देखते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर गुफा अपन को देखने को मिलता भी है या नहीं। और यहाँ का सीन फ्रेंड्स कुछ इस तरह का है। और यहाँ पर फ्रेंड्स यदि आप मूवी भी बनाते हैं ना फ्रेंड्स, या तो एल्बम वेल्बम बनाते हैं, तो उसके लिए फ्रेंड्स ये बेस्ट स्थान है। और यहाँ पर फ्रेंड्स एक पोस्टर दिया गया है, और यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख पा रहे होंगे कि हाथी पखना। और यहाँ पर फ्रेंड्स मतलब इन पत्थरों को फ्रेंड्स हाथी पखना या तो हाथी पत्थर के नाम से जाना जाता है। और ये नाम फ्रेंड्स किसने दिया है ये तो मैं आप लोगों को नहीं बता सकता। तो दोस्तों अभी यहाँ पर चारों तरफ फ्रेंड्स इसी तरह के पत्थर ही पत्थर देखने को मिल रहे हैं। तो आगे चलते हैं फ्रेंड्स, आगे क्या कुछ चीज़ें देखने को मिलती हैं। दोस्तों अभी हम लोग इसके आगे जा रहे हैं, और यहाँ का फ्रेंड्स आप पीछे का रास्ता भी देख पा रहे होंगे कि कुछ इस तरह का रास्ता बनाया गया है। और यहाँ पर फ्रेंड्स काफ़ी यूनिक सा लग रहा है फ्रेंड्स ये चीज़ देखने के लिए। दोस्तों ब्लॉग पर कंटिन्यू बने रहना है, ब्लॉग को कंटिन्यू एंजॉय करते रहना है, क्योंकि फ्रेंड्स इसी तरह के यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी सारे चित्र या तो नहीं फ्रेंड्स क्या बोलते हैं पेड़ पौधे या पत्थर देखने को मिलेंगे। और फ्रेंड्स यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख पा रहे होंगे कि ये रहा फ्रेंड्स बेहड़ा का पेड़, और यहाँ पर इसका बोटनिकल नेम भी दिया गया है। और ये पेड़ फ्रेंड्स कुछ इस तरह का होता है, और इसकी पत्तियाँ फ्रेंड्स कुछ इस तरह की होती हैं। जैसे कि फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख रहे हैं ये अभी काफ़ी छोटा है। दोस्तों यहाँ पर एक और पेड़ का नाम देखने को मिल रहा है कुम्मी, और फ्रेंड्स यहाँ पर इसका बोटनिकल नेम भी दिया गया है। और फ्रेंड्स इस पेड़ के जो छाल होता है ना फ्रेंड्स, उससे यदि फ्रेंड्स हमारे यहाँ जो खेती काम होता है ना फ्रेंड्स, तो पैर में फ्रेंड्स घाव टाइप हो जाता है, जो केंदुआ ऐसे कुछ बोलते हैं, तो उसमें फ्रेंड्स इसका जो रस्सी होता है ना फ्रेंड्स उसका बांधते हैं तो ठीक हो जाता है। तो दोस्तों अभी मैं पहुंच गया हूं यहां की भालू गुफा के पास में फ्रेंड्स, और यहां पर फ्रेंड्स एक पोस्टर देखने को मिल रहा है यहां पर भालू गुफा, और इसके आगे फ्रेंड्स यहां पर जस्ट भालू गुफा देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों चलिए पास में जाके देखते हैं यहां पर वाकई में भालू रहता भी है या नहीं। दोस्तों यहां पर अभी मेरा फ्रेंड्स अंदर घुस गया है गुफा में, और यहां पर फ्रेंड्स पूछते हैं इनसे हाल चाल। तो भाई साहब कितना गहरा गुफा है? गहरा तो है भाई, लेकिन डर भी लगता है, यहाँ का चट्टान काफी चिकना चिकना सा है, भालू कभी भी आ सकता है यहाँ, क्योंकि अभी बारिश वारिश हो रहा है ना, थोड़ा डर भी लग रहा है मेरे को। हाँ मतलब उसके सुरक्षा के लिए यहाँ पर किसी भी टाइम आ सकता है, संभावना नहीं है ना, कभी भी पहुँच सकता है, इसलिए हम समय को देखते हुए कभी निकलते हैं यहाँ से बाहर, जो कि आप लोगों को और कुछ भी दिखाना है। दोस्तों ये रहा स्नेक रॉक, और यहाँ पर फ्रेंड्स लगभग मतलब फ्रेंड्स यहाँ पर किस पत्थर को देख के लिया गया है वो तो फ्रेंड्स मुझे नहीं पता, लेकिन पीछे का फ्रेंड्स पत्थर कुछ उसी सांप के आकार में कुछ लग रहा है, तो शायद उसी के नाम से इसको दिए होंगे स्नेक रॉक। और चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं और देखते हैं फ्रेंड्स आगे क्या कुछ सीन देखने को मिलता है। यहाँ पर फ्रेंड्स दो रास्ते देखने को मिल रहे हैं, और अभी फ्रेंड्स मैं इस रास्ते पर होके चलता हूँ, और सामने फ्रेंड्स मेरे को एक पत्थर देखने को मिल रहा है जो कि फ्रेंड्स मशरूम के आकार में है फ्रेंड्स। तो सामने में फ्रेंड्स जो लोकेशन दिया गया था फ्रेंड्स कि मशरूम रॉक ऐसे कुछ करके, तो फ्रेंड्स शायद ये वही पत्थर हैं। दोस्तों अभी मैं थोड़ा सा बदमाशी करने वाला हूं, क्योंकि फ्रेंड्स अभी मैं चढ़ने वाला हूं यहां के पत्थर पर, और फ्रेंड्स यहां से व्यू देखते हैं आसपास का किस तरह का देखने को मिलता है। तो दोस्तों मैं अभी इस वाले पत्थर पर फ्रेंड्स चढ़ने वाला हूं, तो चढ़ने के बाद फ्रेंड्स ऊपर से व्यू देखते हैं आसपास का व्यू फ्रेंड्स किस तरह का देखने को मिलता है। और यहाँ पर फ्रेंड्स कहीं पर भी नहीं लिखा था फ्रेंड्स कि यहाँ पर चढ़ना वरना मना है या नहीं है, तो फ्रेंड्स
यहाँ से इस साइड का व्यू फ्रेंड्स कुछ इस तरह का देखने को मिलता है। सभी तरफ फ्रेंड्स पत्थर ही पत्थर देखने को मिल रहे हैं। तो फ्रेंड्स अभी चलते हैं कुछ सिनेमेटिक शॉट के साथ। दोस्तों अभी मैं आ गया हूँ पाकुपाइन खोह पर, और यहाँ पर फ्रेंड्स आपके इस साइड पर देखे तो काफी विशाल का पत्थर है। और फ्रेंड्स इसमें पत्थर को ही फ्रेंड्स खोह बोलते हैं, ये ऐसा नहीं है। यहाँ पर फ्रेंड्स एक देखा जाए तो फ्रेंड्स सुरंग के शेप में है। और दोस्तों ये रहा खोह और ये फ्रेंड्स सुरंग के शेप में है, जैसे कि फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख रहे हैं। और इसी तरह से फ्रेंड्स यहाँ पर इस पत्थर के नीचे एक और सुरंग है फ्रेंड्स यहाँ पर, और इसके अंदर फ्रेंड्स जानवर वगैरह रहते होंगे ऐसा लग रहा है मेरे को। और इसी तरह से फ्रेंड्स इस साइड भी काफ़ी जगहों पर इसी तरह के खोह देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पर फ्रेंड्स किसी ने पत्थर डाल रखा है। और इसके इस साइड पर फ्रेंड्स ये रहा यहाँ का बड़ा खोह, और ये फ्रेंड्स एक सुरंग के शेप में लग रहा है मेरे को। और ये रहा फ्रेंड्स वो पत्थर जिसके नीचे खोह स्थित है। दोस्तों यहाँ पर कुछ इस तरह का रास्ता बनाया गया है, किनारे किनारे पर पत्थर डाला गया है और बीच में मुरम डाला गया है। तो फ्रेंड्स आप इसी रास्ता के सहारे चलेंगे तो फ्रेंड्स आपको ये रास्ता किसी न किसी लोकेशन पे लेके चलेगा आपको। और यहाँ पर फ्रेंड्स मेरे को एक शायद तक लग रहा है मेरे को एक पेन स्थान ऐसा कुछ लग रहा है। और ये रहा फ्रेंड्स यहाँ का वो स्थान। और अभी फ्रेंड्स मैं वो पास में जाके देखता हूँ कि यहाँ पर क्या कुछ सीन देखने को मिलता है। दोस्तों यहाँ पर कुछ इस तरह का स्मारक शेप में कुछ बना हुआ है, और पता नहीं फ्रेंड्स ये कुछ पेन स्थान भी हो सकता है। और अभी फ्रेंड्स मैं इसके पास नहीं जाऊँगा। और यहाँ पर फ्रेंड्स नारियल वारियल भी फोड़ा गया है और उसके छिलके यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों आप इस साइड का व्यू भी देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स कि यहाँ पर काफी सुंदर सा व्यू देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों इसी प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर काफी सारे व्यू पॉइंट देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स मेरा अभी आगे आगे जा रहा है बाइक लेके, और यहाँ पर फ्रेंड्स रास्ता देखा जाए तो फ्रेंड्स रास्ता काफी खतरनाक सा है। दोस्तों यहाँ से नीचे का व्यू फ्रेंड्स काफी सुंदर सा लग रहा है, क्योंकि फ्रेंड्स अभी जस्ट फ्रेंड्स यहाँ पर बारिश मतलब रुक गई है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर काफी सुंदर सा व्यू देखने को मिल रहा है, सभी साइड से कोहरा ही कोहरा देखने को मिल रहा है। और इस साइड से फ्रेंड्स इस साइड बहुत ही ज्यादा कोहरा देखने को मिल रहा है। दोस्तों अभी मैं किनारे किनारे जा रहा हूँ, और किनारे से फ्रेंड्स कुछ इस तरह का सीन देखने को मिल रहा है। दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स कि ये रहा पत्थर फ्रेंड्स, जो कि काफी सुंदर सा देखने को मिल रहा है। और आप भी फ्रेंड्स इस साइड का व्यू देखें तो फ्रेंड्स काफी सुंदर सा नजारा देखने को मिल रहा है फ्रेंड्स। तो दोस्तों यहाँ पर एक टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेस है। तो दोस्तों यहाँ पर आप यदि फैमिली के साथ में आते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पर पिकनिक विकनिक के लिए भी सुविधा है, लेकिन फ्रेंड्स आप लोगों को पानी पकड़ के आना पड़ेगा, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर पानी की सुविधा नहीं है। दोस्तों अभी मैं मांझीनगढ़ की आप लोगों को एक सबसे खास घास के बारे में बताने वाला हूं। तो दोस्तों
यहाँ पर एक घास है फ्रेंड्स, जो कि सभी तरह मतलब फ्रेंड्स फैला हुआ है। और ये रहा फ्रेंड्स वो घास। और मेला मड़ाई में फ्रेंड्स आप लोगों ने इस तरह की घास को देखा होगा कि ये घास फ्रेंड्स मुरझा गया होता है। और फ्रेंड्स जैसे ही यहाँ पर इस घास के ऊपर पानी पड़ता है ना फ्रेंड्स, तो ये पुनः हरा भरा हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर ये वाला घास पूरा पड़ा हुआ है। यहाँ से फ्रेंड्स आप आके जितना चाहे उतना ले जा सकते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग चल रहे हैं नेक्स्ट लोकेशन पे फ्रेंड्स, तो वहाँ पर भी एक काफी अच्छा लोकेशन है। दोस्तों अभी आप लोगों को मैं दिखाने वाला हूँ सबसे सुंदर सा व्यू फ्रेंड्स। तो इधर आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स काफी सुंदर सा व्यू देखने को मिल रहा है, और इससे भी ज्यादा सुंदर तो इधर फ्रेंड्स पूरा कोहरा ही कोहरा देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों अभी सनसेट हो रहा है जैसे कि फ्रेंड्स आप यहां पर देख रहे हैं, और फ्रेंड्स अभी यहां पर एक सनसेट पॉइंट भी है। तो अभी हम लोग वहीं पर चलेंगे। तो दोस्तों ब्लॉग पर कंटिन्यू बने रहना है, हम ब्लॉग को कंटिन्यू जा करना। तो तो दोस्तों फाइनली अभी हम लोग आ गए हैं झरने के पास में, और फ्रेंड्स ये रहा झरना। और फ्रेंड्स नीचे का व्यू देखे तो फ्रेंड्स काफी सुंदर सा व्यू देखने को मिलता है। तो दोस्तों उससे भी ज्यादा सुंदर व्यू देखने को मिल रहा है फ्रेंड्स इस साइड पर, और ये रहा फ्रेंड्स व्यू। और आप लोग को लग रहा होगा फ्रेंड्स कि ये किसी अच्छा लोकेशन के व्यू है, तो लेकिन फ्रेंड्स ये मांझीनगढ़ का व्यू है फ्रेंड्स, और मांझीनगढ़ से भी इस तरह का व्यू देखने को मिलता है। कभी फ्रेंड्स मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो दोस्तों अभी हम लोग इसके नीचे उतरने वाले हैं, और अभी फ्रेंड्स 6:30 हो रहे हैं। तो दोस्तों अभी हम लोगों को नीचे उतरना रिस्की भी साबित हो सकता है। दोस्तों तो अभी हम लोग नीचे उतरने वाले हैं गुफा साइड में फ्रेंड्स, और झरना है ना फ्रेंड्स उसके जस्ट नीचे गुफा है। तो दोस्तों अभी 6:30 हो रहे हैं, तो फ्रेंड्स अभी रिस्क भी साबित हो सकता है, इसलिए फ्रेंड्स मैं अपना फ्लैश लाइट यूज कर रहा हूँ नीचे उतरने के लिए। दोस्तों यहाँ पर ये रहा फ्रेंड्स यहाँ का नीचे उतरने का रास्ता, और फ्रेंड्स पास में आने पर पता चलता है कि ये नीचे उतरने का रास्ता है। तो दोस्तों अभी हम लोग इसके नीचे उतरने वाले हैं, तो आगे जाकर देखते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। अभी पूरा शाम को 7 बज रहे हैं, मिनिमम 7 बज रहे हैं, और ये रहे अभी हम लोग नीचे के साइड उतर रहे हैं। मेरा दोस्त फ्रेंड्स अभी पहले उतर रहा है, और उसके बाद फ्रेंड्स मैं उतरूंगा इसके बाद। दोस्तों यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि कितना रिस्क है उतरने के लिए अभी फ्रेंड्स, लेकिन अभी फ्रेंड्स यहाँ पर 6:30 हो रहे हैं फ्रेंड्स। तो अभी नीचे उतरने फ्रेंड्स हमारे लिए काफी रिस्क भी साबित हो सकता है, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर अभी जो व्यू देखने को मिल रहा है ना फ्रेंड्स, उस व्यू को फ्रेंड्स देखने के लिए हम लोग इतने रिस्क लेते हुए उतर रहे हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पर देखा जाए तो एक पेन स्थान भी है, जहाँ पर फ्रेंड्स हाँ देवी देवताओं का स्थान भी है फ्रेंड्स, और वही स्थान है फ्रेंड्स जो जहाँ पर गुफा है। दोस्तों यहाँ का व्यू काफी खतरनाक है भाई, कैमरा में पड़ती चल मार। फाइनली अभी हम लोग आ गए हैं झरना के नीचे साइड में, और ये रहा फ्रेंड्स झरना, और फ्रेंड्स इसके जस्ट नीचे में फ्रेंड्स एक गुफा है। सो दोस्तों आज की यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए। जब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय, टेक केयर।